हे गाइस, तो मुझे यहाँ पे कुछ यूज़र्स के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हमारे सैमसंग गैलेक्सी A23 डिवाइस के अंदर 1.6.0 विद एंड्रॉयड 14 की अपडेट देखने के लिए मिलेगी, और अगर अपडेट देखने के लिए मिलती है तो फाइनली हमारे डिवाइस के लिए अपडेट कब तक रिलीज़ किया जा सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा A23 डिवाइस के अपडेट सिनेरियो के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था मार्च 2022 में, एंड यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉयड 12 बेस्ड 1.4.1 जो है वो देखने के लिए मिल चुकी थी। देन यहाँ पे इस स्मार्टफोन के अंदर फर्स्ट मेजर ओएस अपडेट जो रिलीज किया गया ना, वो एंड्रॉयड 13 विद 1.5.1 के साथ अपडेट रिलीज किया गया। बेसिकली हमारे स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ एक मेजर ओएस अपडेट अभी तक देखने के लिए मिला है, और सैमसंग का अपडेट पॉलिसी कहता है कि हम अपने मिड रेंज के स्मार्टफोन के अंदर कम से कम 2 मेजर ओएस अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइस, आप लोगों के डिवाइस के अंदर सेकेंड मेजर ओएस अपडेट जो देखने के लिए मिलेगी ना, वो गाइस एंड्रॉयड 14 विद 1.6.0 की अपडेट जो है वो मिलने वाली है। तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर अपडेट जो है वो मिलेगी। वैसे यहाँ पे सैमसंग ने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के ऊपर जो है वो टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है 1.6.0 की, और गाइस स्टेबल टेस्टिंग की जा रही है। तो बेसिकली आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर भी बहुत ही जल्द अपडेट देखने के लिए मिल सकती है। वैसे अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड रिलीज डेट के बारे में कि यार फिर भी हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो है वो फाइनली अपडेट कब तक रिलीज किया जा सकता है, तो देखो यार आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर अपडेट जो है ना वो नवंबर से लेकर दिसंबर मंथ तक अपडेट रिलीज किया जा सकता है इसी 2023 में। अब देखते हैं यहाँ पे सैमसंग वाले क्या करते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है तो आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।